तो आज फिर से आपका फिर से आप मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आज जो है आपके लिए काफी खासम खास खबर लेके आया हूं, जो कि एक ब्रेकिंग न्यूज है, जो कि काफी इंपोर्टेंट न्यूज है क्लास 10th और स्पेशली 12th वालों के लिए, बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट के लिए। यह ब्रेकिंग न्यूज है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है अब होगा साल में 2 बार। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बोर्ड एग्जाम जो है साल में 2 बार होने वाला है। और कहां से स्टार्ट होगा, किस सेशन से स्टार्ट होगा, इसी साल से होगा या अगले सेशन से चलेगा, उसके लिए मैं आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। 2 दिन पहले हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने यह इंफॉर्मेशन दी है कि जो है आने वाले टाइम में बोर्ड एग्जाम जो है अगले सेशन से बोर्ड एग्जाम जो है 2 पार्ट में कंडक्ट किया जाएगा। मतलब बोर्ड एग्जाम जो है 10, अगर कोई 10th का स्टूडेंट है या 12th का स्टूडेंट है तो वो बोर्ड एग्जाम को 1 साल में 2 बार देगा। क्या इसके क्राइटेरिया है, क्या इसके फायदे हैं और क्या इसके नुकसान, मैं आपको बताऊंगा सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप, लाइक कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, आज तक जो है एग्जाम जो है बोर्ड एग्जाम साल में 1 बार होता था, फरवरी के मिड मंथ से स्टार्ट होता था और मार्च अप्रैल तक जो है ये पेपर जाते थे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं किन किन के लिए फायदा है, किन किन के लिए नुकसान, क्या इसमें एडिशन है, क्या नई चीजें आने वाले, क्या चैप्टर होगा, क्या पैटर्न होगा, आइए डिटेल से एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूं। अभी चल रहा है 2023 और 2024, जो अभी बच्चे 10th और 12th में हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो अभी बच्चे 10th क्लास और 12th क्लास में हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी यहां पर रिलीज नहीं किया है। इसका मतलब है नए पैटर्न जो होगा वो अगले सेशन से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि अभी तक जो अभी 10th और 12th में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको उसी पैटर्न पे एग्जाम देना होगा जो कि इस साल हुआ था, 2023 में हुआ था। अभी बच्चे 2024 में एग्जाम देंगे, 12th के एग्जाम और 10th के एग्जाम, तो इनके लिए जो है जो स्टेटमेंट है गवर्नमेंट बॉडी का इनके लिए लागू नहीं होता है। ठीक, ये उतने ही आपके एमसीक्यू आने वाले हैं, 18-20 एमसीक्यू एसर्शन रीजन आने वाले हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के आएंगे और 5 नंबर के आएंगे और केस स्टडी भी आने वाले हैं। तो कोई चेंज नहीं है, जो अभी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं और 12th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए जो है कोई चेंज नहीं है सिलेबस में, आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है क्योंकि आपके लिए कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। अगर स्टेटमेंट आ भी गया तो वो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे रूल हैं, बहुत सारे ऐसे कंडीशन है जो फॉलो करना काफी इंपॉर्टेंट है और काफी जरूरी है। तो अचानक से चेंज नहीं ला सकते क्योंकि सेशन अप्रैल से चल रहा है, ये अगस्त पूरा खत्म होने वाला है और सितंबर लगने वाला है। तो जो अभी 10th और 12th में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसी हिसाब से फरवरी के 15 तारीख से आपके एग्जाम होंगे। लेकिन मैं अगर आपको एक्सप्लेनेशन दूं, जो बच्चे अभी 9th क्लास में हैं और जो बच्चे अभी 11th क्लास में हैं, इनके लिए काफी खासम खास, जब ये नेक्स्ट ईयर जो है 10th क्लास में जाएंगे और ये बच्चे जाएंगे 12th क्लास में, इसका मतलब है इनका सेशन जो होगा वो 2024 से लेके 2025 तक स्टार्ट होने वाला है। 2024 से लेके 2025 तक इनका सेशन चलेगा, 10th हो या 12th हो। इनमें जो आपका बोर्ड एग्जाम होंगे, इनके जो बोर्ड एग्जाम होंगे वो होंगे आपके 2 बोर्ड एग्जाम। वाओ, 1 साल में जो है 2 बोर्ड एग्जाम देखने को मिलेंगे, चाहे 10th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो। अभी तो कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई है, प्रोबेबिलिटी है कि एक बोर्ड एग्जाम आपका अक्टूबर नवंबर में हो और दूसरा बोर्ड एग्जाम जो है फरवरी मार्च में हो। सर, कुछ बच्चों के लिए जो है एक बोर्ड एग्जाम देना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब जो है 2-2 बोर्ड एग्जाम ला गया है गवर्नमेंट ऐसा स्कीम अप्लाई कर रहा है कि एक बच्चे को 2-2 बोर्ड एग्जाम देने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है। आप दोनों एग्जाम दे भी सकते हैं और एक भी दे सकते हैं, उसके लिए कंडीशन अप्लाई है। लेकिन जो अभी बच्चे 9th और 11th में है, जब वो 10th में और 12th में जाएंगे तो उनको जो है उस ईयर से जो है मतलब 2024-25 सेशन में जो है बोर्ड एग्जाम जो है 2 साल में 2 बार होगा। तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है, मैं यहां पर बता रहा हूं इससे चीजें होने क्या वाली हैं।
जैसे मान लीजिए 2024 में कोई बंदा पेपर दे रहा है और 2025 में, मतलब 2025 में देगा जो अभी 9th 10th में है, उसके बोर्ड एग्जाम 1 और बोर्ड एग्जाम 2 हो गए, और बोर्ड एग्जाम 1 बोर्ड एग्जाम 2 हो गए। मान लीजिए उसके पास पीसीएमबी सब्जेक्ट है, पीसीएमबी और मैथ और इंग्लिश, पीसीएमबी और इंग्लिश उसके पास सब्जेक्ट है, वो चाहे तो पहले वाले एग्जाम में भी 5 के 5 पेपर दे सकता है और दूसरे वाले एग्जाम में भी 5 के 5 पेपर दे सकता है, उसकी मर्जी है। लेकिन यहां भी आपका फुल सिलेबस आने वाला है फर्स्ट पेपर में भी, और सेकंड पेपर में जो होगा आपका बोर्ड एग्जाम सेकंड जो होगा उसमें भी आपका फुल सिलेबस आएगा। एक पार्ट तो यह है कि आप दोनों यहां भी 5 के 5 दे सकते हैं और यहां भी 5 के 5 दे सकते हैं। फिर बेस्ट आउट ऑफ 2, दो में से जो बेस्ट होगा उसके मार्क्स आपके पेपर में जुड़ेंगे। जो बेस्ट होगा, पहले वाले में आपको मान लो 98% खींच दिए, तो ये आपका अगर बेस्ट है सेकंड वाले से तो ये माना जाएगा आपका। तो बेस्ट ऑफ 2, हिंदी दोनों जगह हिंदी ले लो, तो जिनमें से ज्यादा नंबर होंगे वो आपका काम का आएगा, ठीक है। तो वो आपके मेन मार्क्सशीट में वो मार्क्स आपके एडिशन होंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, पहले मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने दीजिए, ये जो इनका जो सेकंड पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, इस एग्जाम से जो है फ्लेक्सिबिलिटी है, कैसे मिलने वाली फ्लेक्सिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूं। जो 2020 का जो गवर्नमेंट ने जो एजुकेशन पॉलिसी लेके आया है, इसमें जो है अगर मान लीजिए किसी बच्चे की फिजिक्स है केमिस्ट्री है, आज तक उसने पीसीबी ले रखा है और हिंदी और इंग्लिश जो भी ले रखा है, मैं आपको चीज बताता हूं। मान लीजिए इस स्टूडेंट को फिजिक्स बहुत टफ लगती है, मान लीजिए फिजिक्स बहुत टफ लगती है, वो केमिस्ट्री बायो पढ़ना चाह रहा है लेकिन फिजिक्स से छुटकारा पाना चाहता है, तो यहां पे वो हिस्ट्री भी ले सकता है, वो कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकता है, यहां पर वो पॉलिटी भी ले सकता है, यहां पर वो मैथ्स भी ले सकता है, उसकी मर्जी है, ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। जो बच्चा जिसमें कंफर्ट है वो सब्जेक्ट ले ले 5, बहुत जरूरी बात। तो ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर मान लो किसी को केमिस्ट्री बहुत टफ लग रही है तो केमिस्ट्री की जगह कुछ और ले ले, बिजनेस ले ले, अकाउंटेंसी ले ले, हिस्ट्री ले ले, पॉलिटी ले ले, ज्योग्राफी ले ले। किसी को बायो टफ लग रही है, होंगे 5 सब्जेक्ट ही मेन सब्जेक्ट आपके 5 होंगे, लेकिन पीसीएम वालों को पीसीएम लेना ही जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई इंजीनियर बनना है तो पीसीएम टारगेट है तो उसका पीसीएम लेना बहुत जरूरी है, अगर कोई डॉक्टर की तैयारी करना है तो पीसीबी लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अब इससे होगा क्या, ठीक है, मैं आपको तीसरी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। देखिए, आज तक आपने इंग्लिश पढ़ा है, इंग्लिश आपके स्कूल में कंपलसरी है, लेकिन आपको मैं बता दूं, आज के बाद जो है नए पेपर में जो है जो आपका नया पैटर्न होगा, लैंग्वेज के पेपर होंगे 2, एक तो आपका इंटरनेशनल लैंग्वेज चलेगा इंग्लिश, और एक आपका इंडियन लैंग्वेज चलेगी जिसको मैं मान सकता हूं हिंदी। इंडियन लैंग्वेज क्या चलेगी, कोई और लैंग्वेज भी हो सकती है, लेकिन हिंदुस्तान की भाषा में पेपर देना आपको जरूरी होगा। इसका मतलब है ये जो लोकेलिटी है हल्द्वानी से मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूं, अगर यहां बच्चे किसी स्कूल में अगर हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर से हिंदी पढ़ाना भी जरूरी हो जाएगा। रीजनल लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी पढ़ाना भी बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। 2 लैंग्वेज के पेपर तो कंपलसरी होंगे, 2 सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी है लैंग्वेज के, एक तो इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश मान लो, कोई और भी हो सकता है, और एक तो इंडियन लैंग्वेज हिंदी को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं तो हिंदी हो गया। किसी और स्टेट में कोई और लैंग्वेज है तो वो ले सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक लैंग्वेज जो है इंडियन लैंग्वेज होना बहुत जरूरी है। कंपलसरी कर दिया गवर्नमेंट ने लैंग्वेज के 2 पेपर करना है, नहीं है? तो ये लैंग्वेज का फंडा मैंने आपको बता दिया। मान लीजिए किसी स्कूल में अभी जो है हिंदी नहीं पढ़ाई जाती है, हिंदी सब्जेक्ट ही नहीं है, फिर वो बच्चा 12th क्लास में अभी पढ़ रहा है, फिर अचानक से अगर यही सिस्टम इसी साल से लागू कर दें तो फिर अचानक से कहां से हिंदी के टीचर लेके आएंगे, कहां से हिंदी सिलेबस पढ़ाएंगे, तो तब पढ़ेगा क्योंकि सेशन अप्रैल से चल रहा है। इसलिए जो है जो अभी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं
और 12th क्लास में पढ़े उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन बच्चों को हिंदी से थोड़ा सा घबराहट है, वो उनको अगर समझ में आएगा कि अगले साल हिंदी आ सकती है, तो जो बच्चे अगर 11th क्लास में हिंदी नहीं ले रखा है, अगले साल उनको हिंदी पढ़नी पड़ेगी 12th क्लास में जाके, इतना मेरी बात याद रखिए। तो दो लैंग्वेज के पेपर पक्के। फिर मैंने आपको बता दिया पेपर वन है और पेपर टू है। मान लीजिए आपके एक फिजिक्स ले लिया, केमिस्ट्री ले लिया, हिस्ट्री ले लिया और हिंदी ले लिया आपने और एक इंग्लिश ले लिया। मान लो अच्छा क्या फ्लेक्सिबिलिटी है पता है, तुम पांच के पांच पेपर यहां भी दे दो, पांच पेपर यहां भी दे दो, कोई बात नहीं। जो बेस्ट स्कोर होगा दो में से, हिंदी में दोनों में से जो बेस्ट होगा वो चलेगा वहां। वो यहां भी हो सकता है, वो यहां के भी हो सकते हैं। इंग्लिश में इधर के भी बेस्ट हो सकते हैं, यहां के बेस्ट हो सकते हैं। जो बेस्ट होगा मार्कशीट में वो आएगा। मैं एक चीज और बता रहा हूं आपको, तुम चाहो तो पहले पेपर में सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के जाओ, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के जाओगे तो बर्डन कम होगा। बर्डन कम हो रहा है क्योंकि मेरे को बोर्ड एग्जाम के लिए जो है पहले पेपर के लिए जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री प्रिपरेशन करनी है, दो महीने मेरे पास, और अगले बार बोर्ड एग्जाम है उसके लिए मैं जो है आसानी से अगले तीन सब्जेक्ट की जो है दाखिल तैयारी कर सकता हूं बचे हुए तीन महीने में। तो पहले पेपर में आपने मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री से बहुत डर लगता है तो इसमें ध्यान पूर्वक पढ़िया, सिर्फ दो ही सब्जेक्ट पढ़ दिए मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री। पहले पेपर बोर्ड पेपर फर्स्ट में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ दिया, बहुत बढ़िया आपका पेपर चले गया है। दूसरे पेपर में सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, एक बच गया आपका हिस्ट्री और एक बच गया हिंदी और एक बच गया इंग्लिश। आप दूसरे पेपर में चाहो तो सिर्फ और सिर्फ यही तीन सब्जेक्ट के पेपर दे सकते हो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप तो पहले दे चुके हो ना फिजिक्स केमिस्ट्री के, तो फिजिक्स केमिस्ट्री आपने पहले दे चुके हो, बहुत बढ़िया गए हैं, तो दोबारा देने की जरूरत क्या है। तो आप सिर्फ हिंदी इंग्लिश और हिस्ट्री दे दो। देखो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है इस तरीके से कोर्स को डिजाइन किया है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, आपकी सहूलियत के लिए, पढ़ाई आपकी और अच्छी हो, आपके लिए ये पूरी जो बॉडी है उसको डिजाइन किया गया है नहीं। फिर बता रहा हूं, मान लो पहले पेपर में आपने पांच के पांच दे दिए और आपको लग रहा है भाई साहब बहुत ही खतरनाक पेपर चले गए मेरे, बिल्कुल मैं तो टॉप आने वाला हूं, तो आपको सेकंड पेपर देने की जरूरत नहीं है, तो आप घूमने जा सकते हो मुंबई, दिक्कत है क्या। तो आपके पेपर जो है अक्टूबर में ही खत्म हो जाएंगे, फिर आप नवंबर दिसंबर आप मजे करते रहो उसके बाद, दिक्कत। लेकिन अगर बच्चे जो है दो पेपर की तैयारी इधर करेंगे, तीन पेपर की तैयारी इधर करेंगे, तो जो है यहां अच्छे से तैयारी हो सकती है और यहां भी जो है अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर मान लो सर मान लीजिए मैंने फिजिक्स का पेपर यहां भी दे दिया, फिजिक्स का पेपर यहां भी दे दिया, यहां मेरे बड़े नंबर आ गए, सेकंड पेपर फेल हो गया या मेरी कंपार्ट आ गई, तो ये कंपार्ट वाला सिस्टम चले गया है। यहां पास हो गए हो बहुत बड़े नंबर से तो आपके मार्कशीट में ये नंबर जुड़ेंगे। तो इस तरीके से जो है कोर्स को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है ताकि आपके लिए आसान हो। तो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये जो सारे के सारे मैंने जितने भी चीजें बता दी हैं ये 2024 और 25 सेशन के लिए, मतलब जो अभी बच्चे 9th क्लास में हैं और जो अभी बच्चे 11th क्लास में हैं, अगले साल जाके एक चीज तो आप पक्का याद कर ले, आपको एक इंडियन लैंग्वेज पढ़नी बहुत जरूरी है, उसका नाम है हिंदी। मतलब रीजनल, मतलब हिंदी है तो हिंदी पढ़िए, अगर कुछ और है तो कुछ और पढ़िए, लेकिन इंडियन लैंग्वेज पढ़ना बहुत जरूरी है इंग्लिश के साथ साथ, मतलब इंटरनेशनल लैंग्वेज के साथ साथ एक इंडियन लैंग्वेज भी चलना बहुत जरूरी है। ये आपके ही ग्रोथ के लिए, आपके ही विकास के लिए इस तरीके से किया गया है नहीं है। बच्चों के ऊपर बहुत बर्डन होता है, जब बोर्ड पर होते तो बहुत टेंस स्टेज में आते हैं बच्चे, फरवरी में जब 15 तारीख के बाद एग्जाम होता है ना बच्चों, अब मेरे को फिजिक्स पढ़नी है, फिर 5 दिन बाद केमिस्ट्री पर हो जाता है, फिर 5 दिन बाद आपका मैथ्स का पर होता है, तो बहुत टेंस कंडीशन में होते हैं। तो उसी चीज को देखते हुए बॉडी गवर्नमेंट ने इस बॉडी को डिजाइन किया है जो कि काफी शानदार है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एक चीज और बता देता हूं आपको, जो आपकी टेक्स्ट बुक है उनमें भी चेंज आ सकता है, उनमें भी बॉडी जो है कुछ चीजें एडिशन करने की कोशिश कर रही है जो कि नए सेशन से चलेंगे, मतलब जो अगले साल बच्चे 10th में जाएंगे या 12th में जाएंगे है नहीं है। ये डिटेल इंफॉर्मेशन है ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है, और जब भी या जो भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं होगी मैं तुरंत लेके आऊंगा। तो आपका काम है चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो आपने कर दिया होगा और कमेंट जरूर मारी है।
थैंक यू सो मच।